फरियाल आप ही दुल्हन बनकर कितनी प्यारी लग रही थी। मैंने तो ना स्टेज पर बहुत सारी पिक्चर्स बनाई है, अब बारी बारी करके ना फेसबुक पर अपलोड करूंगी। देखो तो सही कमेंट बॉक्स में मुझे कितने दोस्तों ने मुबारकबाद दी है। उफ, कहां से तुम्हारे पास इतना वक्त आ जाता है इन सारी फजूल हरकतों के लिए? कभी थोड़ा ध्यान पढ़ाई पे भी देने करो। जो बाबा चार पैसे देते हैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए, इसलिए देते हैं कि तुम उनकी उम्मीद पे पूरी उतर सको। तो मैंने कब उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया? और बात सुने, मैं ना उनकी तरह पुराने दौर में नहीं जी सकती हूँ। जूनी, बाबा ने कभी तुम पे कोई पाबंदी आयद नहीं की। और अम्मी के बारे में आपकी क्या राय? वो माँ है, और अगर तुम्हारी किसी बुरी बात पे वो तुम्हें टोक देती है ना, तो इसमें कोई हर्ष नहीं है। हर माँ को अपनी बेटी के लिए ऐसे ही फिक्रमंद होना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ तुमसे, तुम मेरे फोन के साथ क्या कर रही हो? अरे आपकी व्हाट्सएप डीपी चेंज कर रही हूँ। पता नहीं कितने सालों से आपने एक ही डीपी लगाए रखी है। इधर लाओ मेरा फोन। रुके ना। सुनी दो ना फोन, क्या फजूल हरकतें हैं। ये देखिए कितनी अच्छी है। सारे ऐसे काम तुम्हें आते हैं, इसलिए तो कभी गुरूर किया नहीं मैंने। अच्छी लगी? हाँ, काफी देर हो गई। तुम अभी तक जाग रही हो, सोई नहीं? नींद नहीं आ रही थी इसलिए बाहर आ गई। अभी आयो? हाँ कुछ ही देर। अच्छा, मम को पता है? नहीं, अम्मी से नहीं बात हुई। क्यों? तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मैं कभी एक बार सोचता हूँ कि अम्मी ने कितनी कुर्बानियां दी हैं हमारे लिए, क्या कुछ नहीं किया, और बदले में हमने उनके लिए क्या किया आज तक? मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने मुनीजे से मंगनी करके उनका मान रख लिया। वैसे शी इज परफेक्ट फॉर यू। वैसे शाजर भी बुरा नहीं था। हाँ, लेकिन उससे पहले मेरी लाइफ में आमिर जो आ चुका था, और तुम्हारे पास मुनीजे को रिजेक्ट करने के लिए कोई रीजन भी नहीं था। खैर, हम क्या टॉपिक लेके बैठ गए। आमिर अच्छा लड़का है, आई लाइक हिम, मगर तुम्हें और मम को शायद ये पसंद ना आया हो कि मैंने उनके फैसले को छोड़ के अपनी खुशी को प्रायोरिटी दी। यू नो समथिंग, आप जब किसी से मोहब्बत करते हो ना, तो उस मोहब्बत को निभाने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, और वो हिम्मत मैंने दी। अब तुम इसे मेरी नाफरमानी समझो या फिर जुर्रत, आई एम हैप्पी विद इट।